हाउ टू बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड जितने भी जो बेस हैं वे नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं देखते हैं उसका एंसर आंसर है बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर जितने भी बेस जो है वे जब किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वे सॉल्ट और वाटर बनाते हैं जैसे कि यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड है वह बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद सोडियम हार्ड्राक्साइड टू फॉर्म सोडियम सल्फाइड एंड वाटर जब सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह सोडियम हाइड्राक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फाइड बनाता है और वाटर बनाता है जैसे कि इस केमिकल रिएक्शंस में आपका एसोटू जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड वो आपका एक नॉन मेटल ऑक्साइड है क्योंकि एन ई ओ एच सोडियम हाइड्राक्साइड जो कि आपका एक बेस है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे एन टू एस ओ थ्री सोडियम सल्फेड बना रहा है जो कि आपका एक सॉल्ट है और एस टो वाटर बना रहा है मीन्स यहाँ पे जो नॉन मेटल ऑक्साइड है एस टू वो आपका बेस एन एच के साथ रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे सॉल्ट सोडियम सलफेड बना रहा है, और एस बना रहा है मीन्स जब भी आपका जो बेस जो है वह किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है